नमस्कार दोस्तों, कोरोना के बढ़ते संक्रमण और ठंड का प्रकोप के कारण उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को दिखाता हूं क्या कुछ रिपोर्ट है, उसके बाद मैं आप सभी को एक मीटिंग के बारे में बताऊंगा जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन दोनों के बीच होने वाला है यूपीटीटी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, ठीक है ना दोस्तों। सबसे पहले मैं रिपोर्ट दिखाता हूं, उसके बाद मैं इसके टाइम को आपको बताऊंगा कितने बजे ये मीटिंग होने वाला है और क्या कुछ फैसला होने वाला है। हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेंद्र जी, बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए एक बार फिर से स्कूलों को बंद कर दिया गया है, किस तरीके से लगता है कि अभी और कुछ दिन तक इन्हें बंद रखना सही रहेगा? देखिए, कोरोना के केस लगातार उत्तर प्रदेश में और देश में बढ़ रहे हैं। 3 लाख के आसपास प्रतिदिन ये संख्या पहुंच गई है पूरे देश में। ऐसे में सरकार कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती है कि वो स्कूल को खोल के बच्चों के बीच ये संक्रमण और फैलने दे। तो आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये आदेश जारी किया है कि जितने भी स्कूल हैं उत्तर प्रदेश के वो सब 30 जनवरी तक बंद रखे जाएंगे। और पिछले एक महीने से प्रक्रिया लगातार जारी, स्कूल बंद चल रहे हैं। और दोस्तों एक बात आपको और पता है कि 23 तारीख को होने वाले यूपीटीटी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग कई सारे बच्चे ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मेल किया था, जिसके रिगार्डिंग आज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक बहुत ही बड़ा मीटिंग होने वाला है, जिसकी टाइमिंग दोस्तों 4 बजे रहने वाली। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। इस मीटिंग का जैसे ही कोई फैसला आता है सबसे पहले मैं आप सभी के सामने लेकर के आऊंगा। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे मेरी अगली वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगी। लगभग 5:30 बजे तक फाइनल डिसीजन दोस्तों आ जाएगा कि क्या कुछ होना है, ठीक है। तो सभी लोग जुड़िएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।